हेलो एवरीवन, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि हु इज एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट कौन होता है? आप सबके दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई होगी कि एक पेंटर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। ओके, पहली चीज। दूसरा, अ म्यूजिशियन इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, जो म्यूजिक कंपोज करते हैं या म्यूजिक बनाते हैं, ये एक बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है। सिंगर बहुत अच्छा आर्ट फॉर्म है। डांसिंग, इट्स ऑल्सो एन आर्ट। और ऐसे में अगर आपको एग्जाम्पल देते रहूं तो एग्जाम्पल बनते जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट आंसर मेरे को अभी तक लगता है ना हु इज एन आर्टिस्ट का, इस पूरे सेंटेंस का, वो जाकिर खान से लगता है। उन्होंने पॉडकास्ट में बोला था कि एक वक्त के बाद एक्सीलेंस में मैजिक आने लग जाता है। एक वक्त के बाद जब आप व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विथ योर प्रैक्टिस, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विथ योर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग यू आर डूइंग, उसके बाद एक पोर्टल सा खुलता है और वो पोर्टल है मैजिक का, वो पोर्टल है आर्ट का, वो पोर्टल है कि हर आदमी जो भी अपने काम के पीक पे होता है ना, वो जो बिजनेसमैन अपने काम के पीक पे है ना, वो बिजनेसमैन नहीं है सिर्फ, वो आर्टिस्ट ही है। तो कोई भी इंसान अपने करियर के टॉप पे जो है ना, वो उस काम को एक ऑर्डिनरी काम की तरह नहीं कर रहा है, ही इज डूइंग दैट वर्क लाइक एन आर्टिस्ट। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और अपने करियर के टॉप पे हो, तो अब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो ही नहीं, यू आर एन आर्टिस्ट। अगर आप एक बहुत अच्छे पायलट हो और अपने करियर के टॉप में हो, तो आप एक प्लेन को सिर्फ एक प्लेन की तरह नहीं उड़ा रहे, यू आर एन आर्टिस्ट। लेकिन आर्टिस्ट बनने से पहले जो कि प्रोसेस आप चूज करते हो या जिस पाथ पे आप चलते हो एक आर्टिस्ट बनने तक, बहुत सारी चीजें आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव से तो डील कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव से डील करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है, कभी कभार हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर देते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसी सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको उस पाथ में चलने के लिए और उस सेल्फ डाउट से बचने के लिए, और पूरी की पूरी एक मैनुअली बता दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां से आप और चीज़ें क्लैरिफाई कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर वन, नथिंग इज ओरिजिनल। यू नो, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, स्पेशली अपने करियर की, तो हम चाहते हैं कि हम एकदम से ही ओरिजिनल चीज़ें बनाएं, बट ओरिजिनल जैसा ना कुछ होता नहीं है। हर चीज़ जो है आपके आसपास, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सम काइंड ऑफ अ थिंग। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एक कहीं से ओरिजिन होता ही होता है। देर इज नथिंग ओरिजिनल। मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, यू, आप भी ओरिजिनल नहीं हो। आपके जीन्स इज अ मिक्सचर ऑफ योर मॉम एंड डैड। कुछ जीन्स आपके मॉम से आए और कुछ जीन्स आपके डैड से आए, और वो कलेक्टिवली एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाते हैं जो कि वो आप। तो जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, स्पेशली अपने करियर की, सो पिकअप ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट आर्टिस्ट्स। उस फील्ड के जो भी आर्टिस्ट हैं, उनकी ग्रेट थिंग्स उठाओ और उसको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाओ। और जब आप यही चीज़ें कॉन्स्टेंटली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक करोगे, तो आप खुद देखोगे कि आप ओरिजिनल चीज़ें बना रहे हो जो कि मिक्सचर है ग्रेट आर्टिस्ट्स का। और इवन बाइबल में एक बहुत अमेजिंग चीज़ कही गई है, चैप्टर 1 वर्स 9 में, कि देर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। मतलब जो चीज़ें कही जा चुकी हैं वो कही जा चुकी है, जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। तो जिस भी फील्ड में हो आप, उस आर्टिस्ट की क्वालिटी उठाओ, अपने साथ जोड़ो और कुछ नया बनाओ। क्यों? क्योंकि देर इज नथिंग ओरिजिनल। लेसन नंबर 2, स्कूल योरसेल्फ। यू नो, स्कूल जो है वो एक अलग चीज़ है और एजुकेशन जो है वो एक अलग चीज़ है, और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। एग्जाम्पल, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपको स्कूल की कौन सी मेमोरी याद है, तो मोस्टली 99% लोग यही बोलेंगे, द कनेक्शन वी मेड एंड द मेमोरीज वी बिल्ड। उन लोगों के साथ जिनके साथ हमें अपने कनेक्शंस बनाए, जिन्हें हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स बोलते हैं, और जो मेमोरीज हमने जी हैं उन लोगों के साथ। ये कोई नहीं बोलेगा कि हमने स्कूल की एजुकेशन बहुत मिस करी, पर आप स्कूल में हो या ना हो, कॉलेज में हो या ना हो, मेक श्योर ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने आप को एजुकेट करते रहें उस फील्ड में जो आपने चूज करी है। अगर हम आज से 20-30 साल पहले की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन ना बहुत कम अवेलेबल होती थी, और अगर होती भी थी तो बुक्स में मिलती थी। लेकिन आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ईजी है। तो आपको जो भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है या जो भी फील्ड इंटरेस्टिंग लगती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दो और उसको डे टू डे बेसिस पे अप्लाई करना शुरू कर दो। मतलब हर उस चीज को गूगल करो जो आपको क्वेश्चनेबल लगती है, डजंट मैटर वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, गूगल आपको जज नहीं कर रहा। इंटरनेट पे आपको कोई इंसान तो मिल ही जाएगा जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड
प्रोवाइड कर रहा होगा। आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल यू हैव टू बी इज क्यूरियस। बी क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन। जिस दुनिया में आप रह रहे हो उस दुनिया के लिए क्यूरियस रहो। हर उस रेफरेंस को चेज करो जो आपको लगता है कि आपको एक अगले स्टेप तक ले जा सकती है। बिकॉज एट लास्ट ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्कूल योरसेल्फ। कोई आपको सिखाएगा नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं, बाय द एंड आपको खुद ही चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। सो ये आपकी ड्यूटी है कि यू स्कूल योर सेल्फ। डजेंट मैटर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो। लेसन नंबर 3, स्टार्ट कॉपिंग। यू नो नो बडी इज बॉर्न विद अ स्टाइल और अ वॉइस। हम पैदा होते ही कोई स्टाइलिश पर्सनैलिटी नहीं होते हैं। वी आर नथिंग। इन बिगनिंग वी लर्न बाय प्रिटेंडिंग टू बी आर हीरोज। वी लर्न बाय कॉपिंग। आपके मेरे हम सबके कोई ना कोई हीरोज होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी का मूवी करेक्टर हो सकता है, किसी का कोई मूवी एक्टर हो सकता है। और हमारे जो हीरोज होते हैं उनमें कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि हम चाहते हैं हमारे अंदर भी आए। इसीलिए वी ट्राई टू कॉपी देम फ्रॉम हेड टू टो ईच एंड एवरीथिंग। जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो ड्रेसअप होते हैं, हर उस चीज को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज करो अपनी फील्ड में, जिस फील्ड का आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो। स्टार्ट कॉपिंग। उन आर्टिस्ट को कॉपी करना शुरू कर दो जो कि उस फील्ड में टॉप में है इस वक्त। यू नो योजी यामामोटो जो कि एक जापानीज फैशन डिजाइनर है, उन्होंने एक बहुत अमेजिंग चीज बोली है कि स्टार्ट कॉपिंग। स्टार्ट कॉपिंग व्हाट यू लव। जस्ट कीप कॉपिंग कॉपिंग कॉपिंग। एट द एंड ऑफ द कॉपी यू विल फाइंड योर सेल्फ। क्योंकि एक वक्त आएगा जब आप अपना खुद का स्टाइल जोड़ोगे उस कॉपी के साथ। सो डोंट शाय अवे फ्रॉम कॉपिंग। हर उस चीज को कॉपी करो जो कि आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी में एक और एक्स्ट्रा स्टार लगा सकती है, आपके काम में एक और एक्स्ट्रा स्टार लगा सकती है। और सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी को कॉपी करने की कोशिश मत करो, कॉपी मल्टीपल पीपल। रीजन, जब आप मल्टीपल लोगों को कॉपी कर रहे होते हो देन यू आर नॉट जस्ट कॉपिंग, यू आर डूइंग अ रिसर्च। सो रिसर्च एवरी पर्सन, कॉपी एवरी पर्सन दैट यू फाइंड समथिंग गुड इन देम। लेसन नंबर 4, कीप योर डे जॉब। यू नो अगर आप बहुत किस्मत वाले होंगे ना, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम द थिंग दैट यू ट्रूली लव। आप स्टार्टिंग में ही उसी चीज से पैसा कमाना शुरू कर दोगे जिस चीज के लिए आप बहुत पैशनेट हो, मतलब मेकिंग योर पैशन एज योर प्रोफेशन। लेकिन उस स्टेज पे आने के लिए जहाँ पे आप एक बेसिक लिविंग बना पाओ अपने पैशन से, आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। एंड फॉर दैट यू नीड अ डे जॉब अंटिल यू रीच दैट पॉइंट वेयर यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम योर पैशन, और सिंपली बोलूं मेकिंग मनी फ्रॉम योर आर्ट। और डे जॉब आपको सिर्फ और सिर्फ मनी प्रोवाइड नहीं करेगी, इट विल प्रोवाइड अ कनेक्शन टू द वर्ल्ड एंड स्पेशली अ रूटीन। यू नो फ्रीडम फ्रॉम योर फाइनेंशियल स्ट्रेस विल गिव यू फ्रीडम इन योर आर्ट। आपकी डे जॉब आपको एक बेसिक लिविंग दे देगी अंटिल यू डोंट मेक मनी फ्रॉम योर आर्ट। क्योंकि एक डे जॉब आपको एक ह्यूमन बींग बनाती है, और सीरियसली इट गिव्स यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, समथिंग दैट यू कैन पुट इट इन योर आर्ट। आप जो भी चीज कर रहे हो अपने डे जॉब में, एट द एंड यू विल पुट समथिंग इन योर आर्ट विद दैट थिंग। अगर आप कहीं से कुछ सीख रहे हो तो कहीं पे आप उसे जरूर लगाओगे। वट एवर यू आर डूइंग इन योर डे जॉब, पिक समथिंग फ्रॉम देयर एंड एड इट टू योर आर्ट। रीजन, क्योंकि डे जॉब आपको एक चीज से बिल्कुल दूर करेगी, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। इस पूरे प्रोसेस में आप अपने आर्ट को उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना पहले देते होंगे विदाउट अ डे जॉब। लेकिन यही चीज आपको फिगर आउट करनी है, अपने रूटीन में से आपको वो स्लॉट्स निकालने हैं जिस स्लॉट्स के अंदर आप वो चीज कर पाओ दैट फील लाइक आर्ट टू यू। आपको अपनी रूटीन में से वो टाइम चुराना पड़ेगा। यू हैव टू स्टील दैट टाइम जिस टाइम आप अपने आर्ट को दे सकते हो। और सबसे ज्यादा टफेस्ट होगा उस रूटीन को हर दिन फॉलो करना, हर दिन उस टाइम स्लॉट को स्टील करना अपने बेसिक रूटीन से। ये चीज जितना सुनने में आसान लग रही है उतना है नहीं, क्योंकि हर दिन आपको न्यू हर्डल्स मिलेंगे उस बेसिक रूटीन में। कभी आपका मन नहीं होगा करने को, कभी कोई आपके घर में आ जाएगा, कभी आपको कहीं जाना पड़ जाएगा, एंड द लिस्ट कीप्स गोइंग ऑन। सो अंटिल यू डोंट मेक मनी आउट ऑफ योर आर्ट, गेट योर सेल्फ अ डे जॉब, बिकॉज इट विल गिव यू कनेक्शन, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड समथिंग दैट यू कैन पुट इट इन योर आर्ट। लेसन नंबर 5, कीप अ लॉग बुक। 2023 की जो बेस्ट हैबिट मैंने अपने अंदर डेवलप करी है वो है हैविंग अ लॉग बुक। मैं उसकी शक्ल दिखा देता हूँ, ये रही। बट नाउ कम्स द क्वेश्चन इज, इसका पर्पस क्या है? जिस तरह से हम फ्यूचर का एक प्रेडिक्शन करते हैं ना कि मुझे ये बनना है, यू नीड टू हैव द लॉग्स ऑफ योर पास्ट, ताकि आपको पता चले कि आपकी लाइफ का ट्रैक किस
डायरेक्शन में जा रहा है। और इस पूरी डायरी का कोई पर्पस नहीं है, इट जस्ट अ बेसिक डायरी, जस्ट लाइक अ ईयर डायरी, जिसमें हर दिन एक डेट मेंशन होती है, कैलेंडर टाइप, और पूरे दिन में जो मैंने कर रखा होता है वो मैं इसमें ऐड करता हूँ, और साथ में अगले दिन क्या करना है वो भी इसमें मैं ऐड करता हूँ। एंड दिस विल गिव यू अ लॉग दैट आप कितनी दूर आ चुके हो। यू नो आफ्टर कॉलेज दिन कैसे बीतते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता, कब मंडे था और कब फ्राइडे आ जाए, इट हैपन विद जस्ट अ स्नैप ऑफ अ फिंगर। सो गेट योर सेल्फ अ लॉग बुक, मेक इट अ हैबिट। अगर आप पूरा पूरा नहीं लिख सकते तो जस्ट राइट पॉइंट्स, स्टार्टिंग में सिर्फ एक बेसिक हैबिट बनाओ कि मुझे दिन में सिर्फ ये पेज फिल करना है। सो इफ टुडे इज 23 जून 2023, तो ये रही मेरी लॉग बुक का एक स्नैप कि मुझे क्या करना है। ज्यादा टास्क नहीं होते, इट्स जस्ट 4 to 5 टास्क, सिंपल टास्क जो कि मेरी डेली लाइफ में होते हैं। पुराने दिनों में जो सेलर्स होते थे, मीन जो शिप पे होते थे, वो लॉग बुक यूज करते थे ताकि वो पता लगा पाए कि उनका शिप कितना दूर आ चुका है। तो सेम चीज करनी है आपको अपनी लाइफ के साथ, स्टार्ट मेंटेनिंग अ लॉग बुक ताकि आपको पता चले कि आपका लाइफ का जो ट्रैक है वो कितनी दूर आ चुका है। लेसन नंबर 6, डोंट थ्रो एनी ऑफ योर सेल्फ अवे। यू नो जब हम लाइफ के अर्ली फेज में होते हैं ना, जब हम अपने लाइफ को फिगर आउट करना होता है कि हम आगे जाके क्या करें, क्या चीज उठाएं, कौन सा करियर उठाएं जो कि आगे फ्यूचर में जाके रेलेवेंट हो, और सिर्फ रेलेवेंट ही ना हो, हम उस चीज से खुश रहें। जब आज से 50 साल बाद आप अपने आप को देखोगे ना, और जो डिसीजन आपने लिया होगा कि कौन सा काम मैं करूं, That should really make you feel happy कि आपने जो चूज करा वो सही था। बट हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीजें पसंद आती है। हम पेंटर भी बनना चाहते हैं, हम प्रोग्रामर भी बनना चाहते हैं, हम म्यूजिशियन भी बनना चाहते हैं, हम डांसर भी बनना चाहते हैं, हम सिंगर भी बनना चाहते हैं। बहुत सारी चीजों के बीच में हम फंस के रह जाते हैं, और यहीं पे आता है ये 6th पॉइंट जो कि सबसे अमेजिंग पॉइंट है कि अगर आपके पास 2 से 3 कोई रियल पैशन है ना, तो उसे फेंको मत। डोंट फील लाइक कि आपको कोई एक उठाना उसमें से, एटलीस्ट मेक अ प्रायोरिटी। जो चीज आपको उन 3 या 4 चीजों में से सबसे ज्यादा पसंद है ना, उसको टॉप पे रखो, बाकी सबको नीचे रखो। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको नंबर 1 पे रखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और धीरे धीरे करके उन सबको टाइम देना शुरू करो। एंड विद इन 6 months आपको खुद पता चल जाएगा कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी आपको नहीं। और अगर आपने सारों को भी टाइम दे दिया तो एटलीस्ट वहां से आप कुछ सीख के ही जाओगे। और यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग चीज को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ जो कि स्टीव जॉब्स ने कही थी, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट बाय लुकिंग बैकवर्ड। मतलब क्या हुआ, जब वो कॉलेज में थे अपने, तब उन्होंने वहां पे कैलीग्राफी सीखी, और कुछ टाइम बाद जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की तो जब वो वर्ड प्रोसेसर बना रहे थे तो उस वर्ड प्रोसेसर के अंदर उन्होंने फॉन्ट्स को इंट्रोड्यूस करा। आज आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फॉन्ट्स देखते हो ना, चाहे वो लिनक्स हो या विंडोज, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो स्टीव जॉब्स का है, क्योंकि मैक की कॉपी विंडोज ने करी थी। और इसके ऊपर बहुत अमेजिंग स्टोरी है, वो यूट्यूब पे देख लेना। बट इफ यू हैव 3 to 4 पैशंस, यू डोंट हैव टू थ्रो इट। एटलीस्ट यू कैन डू इज उनकी प्रायोरिटी बनाओ, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चारों में से, और उनको अकॉर्डिंगली टाइम देते रहो। थ्रू आउट द टाइम आपको खुद समझ आ जाएगा कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा करना पसंद करते हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत अमेजिंग चीजें सीखने को मिली होगी। सो मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं, वो बताई हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियोन इस बुक से, जो कि बहुत अमेजिंग बुक है। रीजन, क्योंकि ये इतनी बड़ी बुक नहीं है, ये बहुत अमेजिंग बुक है। बीच में से भी अगर आप खोलोगे ना तो आपको कुछ अमेजिंग सीखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग बुक्स की नॉलेज लेके आता रहूंगा। टिल देन मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पे मैं रील्स डालता रहता हूं। लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी कुछ नया सीख सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।